वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी M30S, अगर इसके अंदर अगर ये स्पीक प्रॉब्लम और हैंग टच की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। पहले देखिए सैमसंग गैलेक्सी M30S मॉडल है तो इसको जो है हम ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो इजीली जो है आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसमें टच चलाऊंगा तो ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये दिक्कत आ रही है इसके अंदर। अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जो है हम टू फिंगर का यूज़ करेंगे तो ये वर्क करने लगेगा। ये देखिए, ये टू फिंगर में हमारा ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना, हमें सेटिंग में जाना है, सेटिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस पर डबल टैप करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन खुल जाएगा। और हम फिर सिंगल फिंगर से ये कुछ काम नहीं करेगा, जब तक आप टू फिंगर का यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। यहाँ देखना एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन होगा आपका, एक्सेसिबिलिटी आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस पर डबल टैप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखें सिंगल फिंगर से फिर ये हैंग कर रहा है, ठीक है, तो इसको जब तक आप टू फिंगर का यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। ये देखें तो यहाँ पे ये आएगा टॉल बैक का ऑप्शन, ये शो हो रहा होगा, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद इस पर फिर आप डबल टैप करेंगे स्पीड में तो ये ऑप्शन आपका शो हो जाएगा। ये देखना, इसको हम सिलेक्ट करके फिर इस पर डबल टैप कर देंगे, नीचे ये ऑप्शन आ गया और ये टॉल बैक जो है हमारा ऑफ हो गया और ये प्रॉब्लम जो है हमारी शॉर्ट आउट हो गई, ठीक है गाइस। अब ये टच हमारी प्रॉपर चल रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आईटेल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।